नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पंजाब के संगरूर स्थित गुरुद्वारा में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को प्रसाद बांटा। प्रसाद लेने वालों में पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय सिंगला और संगरूर के पूर्व विधायक प्रकाश चंद्र गर्ग भी शामिल है। जानकारी मिली है कि प्रसाद बांटने वाले की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है। घटना के बाद गांव के 30 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुद्वारे में उस दिन कितने लोग मौजूद थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रही है। सियालदह से अलीपुर द्वार जा रही सियालदह एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। गार्ड ने नक्सलबाड़ी में अटल चाय बागान के पास ट्रेन के वातानुकूलित डिब्बे के पहिए में आग की लपटें उठती देखी। इसके बाद ड्राइवर को सारे मामले की जानकारी दी। ड्राइवर ने खतरे को भांपते हुए तत्काल नक्सलबाड़ी और बागडोगरा स्टेशनों पर इमरजेंसी सर्विस में जुटे कर्मचारियों को आग की खबर दी। इसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। काफी कोशिशों से पहिए में लगी आग को बुझाने में सफलता मिली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। गुरुवार को वाराणसी में ब्लैक फंगस से 8 मरीजों को जान गंवानी पड़ी। बीएचयू अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ चुके ये मरीज पोस्ट कोविड वार्ड के अलावा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती थे। ब्लैक फंगस के कारण बीएचयू में अब तक 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 30 ऐसे मरीज हैं जिनकी आंखें ब्लैक फंगस के कारण निकालनी पड़ी है। 7 नए मरीजों को भी भर्ती किया गया है। अब बैंक में छुट्टी होने पर भी बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई कट जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम अब रविवार सहित सभी दिन काम करेगा। यह व्यवस्था इस साल 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। मतलब यह कि आपको अपने खाते में जरूरी पेमेंट को ध्यान में रख पर्याप्त बैलेंस रखना होगा। बैंक की छुट्टी का मतलब रविवार को होने वाली छुट्टी और पर्व त्योहार सहित खास मौकों पर होने वाली छुट्टी से है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सभी कबूतरों और बिल्लियों को खत्म करने का फरमान सुनाया है। उसका मानना है कि कबूतर और बिल्लियां चीन से सीमा के जरिए कोरोना वायरस फैला रही है। इस आदेश के बाद सीमा के पास शहरों और नगरों में अधिकारी पक्षियों को गोली मारते तथा बिल्लियों और उनके मालिकों को तलाश करते हुए देखे गए। कोरिया के अधिकारी स्थानीय लोगों पर जानवरों को मारने का भी दबाव डाल रहे हैं। नागरिकों ने इस आदेश को अतार्किक बताया है। भारतीय स्टेट बैंक को कर्ज की वसूली के लिए भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की रियल एस्टेट संपत्ति को बेचने का अधिकार मिल गया है। यानी कि बैंक अब कभी भी विजय माल्या की जब्त संपत्तियों को बेचकर कर्ज में फंसी अपनी रकम निकाल सकता है। हालांकि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने ट्वीट कर लिखा कि टीवी देख रहा हूं और धोखाधड़ी और धोखेबाज के रूप में मेरे नाम का बार बार जिक्र किया जा रहा है। उधर से तो ज्यादा मेरी संपत्ति जब्त कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से फिर इनकार कर दिया है, लेकिन ऋषिकेश में इलाज के लिए आयुर्वेदिक संस्थान भेजने की याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आसाराम की ओर से स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। आसाराम एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। फेसबुक अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग के समर्थन वाली उस विवादास्पद नीति को खत्म करने की योजना बना रहा है जिसमें सोशल नेटवर्किंग साइट पर नेताओं को कुछ निश्चित नियमों से छूट दी गई थी। फेसबुक 2016 से यह छूट दे रहा था। 2019 में इस नीति ने लोगों का ध्यान उस वक्त आकर्षित किया जब कंपनी के वैश्विक मामलों एवं संचार के उपाध्यक्ष निक लेग ने घोषणा की कि नेताओं के बयान को खबर योग्य सामग्री के तौर पर देखा जाएगा, जिसे एक सामान्य नियम के तौर पर देखा और सुना जाना चाहिए। भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने ट्वीट किया है कि एजिस बाउल में अभ्यास करने से पहले 3 दिन तक हमें कड़े पृथकवास पर रहना होगा। हमें बताया गया कि 3 दिन तक एक दूसरे से भी नहीं मिल सकते। भारत की पुरुष और महिला टीमें एक विमान से इंग्लैंड रवाना हुई थी। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलनी है। महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 1 टेस्ट, 3 वनडे और इतने ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने वाले पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के जवाब पर केंद्र सरकार जल्द ही अगला कदम उठा सकती है।
बंदोपाध्याय ने केंद्र को भेजे अपने जवाब में कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर वह चक्रवात या से बुरी तरह प्रभावित दीघा का जायजा लेने गए थे, इस वजह से उस बैठक में शामिल नहीं हुए। याद रहे, केंद्र ने बंदोपाध्याय के स्थानांतरण का निर्देश दिया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया। इसके बाद से केंद्र की भौहें तनी है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।